माता सीता की कथा धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनके कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है।
पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।